हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आज फिर से एक कंपैरिजन में। यह है बलेनो डेल्टा वर्जन वर्सेस टिगोर एक्स जेड। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेज आ रहे थे क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइस बिल्कुल सेम है। 1,000-5,000 का फ़र्क है तो कोई बात नहीं। पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में बलेनो के डेल्टा का और टिगोर के एक्स जेड का प्राइस सिमिलर है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो ही जाती है बायर को कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सा ले। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को शो करने की कि एक्चुअल में इन दोनों ही गाड़ियों में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो आप लोगों को अपने पैसे किस जगह लगाने चाहिए। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, सरप्राइजेस जरूर मिलेंगे हर लेवल पे। इंजन परफॉर्मेंस में, बॉडी डायमेंशंस में, इंफोटेनमेंट में, सिक्योरिटी फीचर्स में और कुछ एक्स्ट्रा शो स्टॉपर्स फीचर्स जिनके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी कार लेनी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो अगर फ्रंट डिज़ाइन की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी क्यूट सी नज़र आती हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों का ही फेस स्माइलिंग है और काफ़ी क्यूट है। तो यहाँ पे आपकी अपनी पसंद आती है कि आपको कौन सी गाड़ी का फ्रंट लुक ज़्यादा पसंद आता है। मेरे हिसाब से दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी हैं। अगर बात करें हम बैक प्रोफाइल की, तो बैक साइड से मुझे टिगोर थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है। बलेनो भी अच्छी है बट उसके मुकाबले मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है वो टिगोर पे है। वो थोड़ी सी उठी हुई नज़र आती है बैक साइड से, जो कि बेटर है। फुल्ली लोडेड होने के बाद भी कार पीछे से दबी हुई नज़र नहीं आएगी, और ये बात मैंने जब डिज़ायर के साथ कंपैरिजन किया था मैंने तब भी कही थी। वैसे मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बात आप लोगों को ये ध्यान दिलवा दूँ कि बलेनो हैचबैक की कैटेगरी में आती है और टिगोर कॉम्पैक्ट सिडान की कैटेगरी में आती है। तो काफ़ी जगह पे इनके फीचर्स डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे कि बलेनो में रियर साइड पे वॉशर और वो रेन वाइपर भी लगा हुआ है, वाइपर भी लगा हुआ है, लेकिन टिगोर में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि किसी भी सिडान में और कॉम्पैक्ट सिडान में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों की बहुत ही अच्छी है, और मुझे दोनों ही गाड़ियों की साइड प्रोफाइल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अपनी पसंद पे जा सकते हैं कि यहाँ से आपको कौन सी कार ज़्यादा बेटर लुकिंग लगती है। जहाँ पे बलेनो का एक बिल्कुल पैरेलल, अगर आप ज़मीन से देखें तो इसकी एक पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल सा डिज़ाइन है, और टिगोर को देखें तो वो काफ़ी जेट टाइप की एक लुक आती है, जो आगे से थोड़ी झुकी हुई और पीछे से उठी हुई थोड़ी अग्रेसिव लुक नज़र आती है। अगर हम कार के इंटीरियर को यहाँ देखें तो आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में कि एक सिंपल सा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि टिगोर में आपको रियर सीट पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है कप होल्डर के साथ, और वो आपको बलेनो में नहीं मिलता है क्योंकि टिगोर फिर से कैटेगरी है कॉम्पैक्ट सिडान की और बलेनो है वो हैचबैक है, तो हैचबैक में रियर आर्मरेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसमें आपको बलेनो में वो नहीं देखने को मिलेगा। और अगर हम सिटिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे, जबकि बलेनो में थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस है, तो मैं ये कहूँगा कि बलेनो में थोड़े ज़्यादा आराम से बैठ पाएंगे। टिगोर में भी 3 लोग बैठ जाते हैं एवरेज साइज के अच्छी तरीके से। तो आइए अब शुरू करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों का रियल स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन। तो यहाँ पे लेंथ वाइज दोनों ही गाड़ियाँ लगभग बराबर हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर का फ़र्क है, इसे आप भूल सकते हैं। विड्थ वाइज अगर बात करें तो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़ी है बलेनो, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो बलेनो में 3 लोगों को बैठने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है, टिगोर में भी मिलती है, लेकिन टिगोर के मुकाबले 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होना काफ़ी बड़ी बात है। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट वाइज तकरीबन 2.5-3 सेंटीमीटर ज़्यादा है टिगोर बलेनो के मुकाबले। तो यहाँ पे हेडरूम आपको टिगोर में थोड़ा सा बेटर मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों की बराबर है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर 339 लीटर आता है बलेनो में और 419 लीटर आता है टिगोर में। तो टिगोर का बूट जो है वो काफ़ी बड़ा है और अपनी कैटेगरी में भी सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो ये इस कारण से, क्योंकि सिडान में और कॉम्पैक्ट सिडान में बूट स्पेस वैसे ही ज़्यादा होता है और हैचबैक में इतना बूट नहीं होता है, तो हैचबैक की अगर हम कैटेगरी को माने तो बलेनो का बूट काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब इसकी कंपैरिजन हम कर रहे हैं कॉम्पैक्ट सिडान से तो इस कारण से इसका बूट हमें यहाँ पर छोटा मिल रहा है। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ बलेनो के बारे में कि बलेनो की रियर सीट 60-40 स्प्लिट हो जाती है डेल्टा वर्जन की, तो इस केस में आपका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपके पीछे कोई सवारी अगर पीछे की सीट पर अगर नहीं बैठी है तो आप रियर सीट को स्प्लिट कर देंगे तो बूट का एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और फिर वो कैलकुलेट करें तो वो टिगोर से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर 5 लोग बैठे हैं तो उस केस में आपके पास टिगोर में बूट स्पेस ज़्यादा है।
तो व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस में यहाँ पे तकरीबन 70 mm का फ़र्क है, फिर से 7 सेंटीमीटर का। ये जितना ज़्यादा होता है गाड़ी को टूटी फूटी सड़कों पे उतनी ही बेटर स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि पिछला हिस्सा उतना दूर है तो वो अभी गड्ढे से बाहर रह सकता है, और जब तक बैक वाला टायर अगर गड्ढे में गिरता है तो फ्रंट वाला टायर गड्ढे से निकल चुका होता है, तो हमें झटके जर्क थोड़े से कम फील होते हैं। टायर साइज़ की अगर बात करें तो बलेनो में हमें डीजल और पेट्रोल दोनों में ही R15 के स्टील व्हील्स मिलते हैं डेल्टा वर्जन में, लेकिन यहाँ पे टिगोर XZ में हमें पेट्रोल में R15 मिलते हैं और डीजल में हमें R14 मिलते हैं, यानी कि 14 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और दोनों ही पेट्रोल और डीजल के केस में यहाँ पे टिगोर में हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि बलेनो में हमें स्टील व्हील्स मिलते हैं डेल्टा वर्जन में। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि बलेनो की चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन टिगोर की ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है, प्लस टिगोर के पास बूट बड़ा है और अलॉय व्हील्स भी हैं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस किस चीज़ पर ज़्यादा है। इसके बाद हम आते हैं अगले लेवल पे, तो सेकंड लेवल है इंजन की परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे बलेनो के पास नो डाउट बहुत ही अच्छा इंजन है, पेट्रोल में भी और डीजल में भी 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी साइलेंट है। और अगर इसकी पावर की बात करें तो पावर पेट्रोल इंजन की लगभग बराबर है टिगोर के पेट्रोल इंजन के ही। टिगोर के पास 3 सिलेंडर में इंजन आता है 1.2 लीटर का, लेकिन बलेनो के पास 4 सिलेंडर में 1.2 लीटर का इंजन आता है। यहाँ पे एक और खासियत आपको इन दोनों ही इंजन की बताऊँ कि 1.2 लीटर में 3 सिलेंडर होने के कारण टिगोर पेट्रोल में आपको थोड़ी सी बेटर माइलेज दे पाएगी बलेनो के मुकाबले, और बलेनो वहीं पे आपको ज़्यादा स्मूथनेस दे पाएगी हाई स्पीड में भी टिगोर के मुकाबले इंजन नॉइज़ के मामले में। और अगर डीजल इंजन की बात करें तो यहाँ पे मैं टिगोर के इंजन को बिल्कुल ही नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि डीजल इंजन के मामले में बलेनो के पास बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल 1.3 लीटर DDIS 190 इंजन है, और ये लगभग 1248 cc क्यूबिक कैपेसिटी का है, और डीजल इंजन की पावर काफ़ी बेटर है, बहुत ही अच्छी रनिंग मिलती है। तो अगर हम पावर वाइज कंपेयर करें तो यहाँ पे 82.9 PS है पेट्रोल इंजन की और 75 PS है डीजल इंजन की बलेनो डेल्टा के पास, और वहीं पे टिगोर के पास 85 PS है जो कि थोड़ी सी बेटर है बलेनो पेट्रोल से, और 70 PS है जो कि थोड़ी सी कम है बलेनो के डीजल इंजन से। अगर हम टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों का पेट्रोल वेरिएंट में टॉर्क लगभग बराबर है, लेकिन डीजल वेरिएंट में टॉर्क का बहुत ज़्यादा का फर्क है, और ये मैटर करता है जब गाड़ी फुली लोडेड होती है। तो टॉर्क होता है गाड़ी की पुलिंग कैपेसिटी, यानी कि जब रुकी हुई गाड़ी या चढ़ाई पर जब गाड़ी चढ़ती है तो उस समय उसकी पुलिंग कैपेसिटी इंजन की वो टॉर्क में नापी जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है फ्यूल टैंक। तो दोनों ही गाड़ियों का लगभग बराबर है, 2 लीटर से ज़्यादा है बलेनो डेल्टा का, 37 लीटर है। कर्व वेट की बात करें तो यहाँ पे बलेनो काफ़ी ज़्यादा हल्की है, और इसी कारण से ये सड़कों पे बहुत ही तेज़ दौड़ पाती है, और अपने इंजन का सारा इस्तेमाल इस गाड़ी को तेज़ दौड़ाने में ही समझ लीजिए कि आप कर सकते हैं। और वहीं पर टिगोर की बात करें तो टिगोर काफ़ी ज़्यादा भारी है, लगभग 125 किलो 150 किलो का डिफरेंस आ जाता है डीजल और पेट्रोल में, तो इंजन का काफ़ी जोर खुद को दौड़ाने में भी, खुद की समझ लीजिए भार को चलाने में भी लग जाता है और बाकी के लोगों को बैठने के बाद। लेकिन टाटा ने यहाँ पे रेवोट्रॉन और रेवोटॉर्प इंजन को काफ़ी अच्छे से ट्यूनअप किया हुआ है, और ये यहाँ पे इतना फील नहीं होता है। लेकिन मेन डिफरेंस जो आता है वो 100 के ऊपर की स्पीड पे, यानी कि जब गाड़ी मेन पिकअप ले रही है उस समय बलेनो बेटर होगी, 100 से ऊपर जाने पे, 150 से भी थोड़ा ऊपर जाने पे बलेनो आपको क्विक रिस्पांस देगी, लेकिन टिगोर 120 के बाद हाई स्पीड पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लेगी। लेकिन ये वजनी है, इसका वजन ज़्यादा है, इसलिए ये सड़क पे ज़्यादा स्टेबल आपको फील होगी। टर्निंग रेडियस के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ बराबर हैं, 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस है इनका। ट्रांसमिशन के मामले में दोनों ही गाड़ियों में 5 स्पीड अवेलेबल है मैनुअल में गियरबॉक्स, लेकिन यहाँ पे बलेनो के पास CVT का ऑप्शन अवेलेबल है जो कि AMT से हर हाल में बेटर होता है। CVT में आपको कोई गियर चेंज वाला कोई जर्क फील नहीं होता, यहाँ पे वो आप मान सकते हो कि जिस तरह जुपिटर स्कूटी में और एक्टिवा में आपको एक्सेलेटर देते जाओ और स्पीड बढ़ती जाती है बिना किसी जर्क के, तो वो फीलिंग आती है आपको CVT में। और AMT की अगर हम बात करें जो कि टिगोर के पास ऑप्शन अवेलेबल है, AMT में आपको 1.5 सेकंड का लैग आता है जब गियर चेंज हो रहा होता है, लेकिन अगर आप मॉनिटर करें तो जिस तरह से मैनुअल गियर चेंज करने में भी 1 से 1.5 सेकंड का समय लग जाता है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं कि जब वो एक कंप्यूटर सिस्टम उसमें लगाया गया है और वो CVT से काफ़ी सस्ता होता है, तो यहाँ पर वो 1 से 1.5 सेकंड भी आपको फील नहीं होगा जब आपको हैबिट हो जाएगी। तो
फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल में आपको ऑन द पेपर तो आपको बलेनो जरूर जीत रही है, लेकिन रियल लाइफ में आपको टिगोर बेटर एवरेज देगी पेट्रोल वेरिएंट में। डीजल की बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ आपको अच्छा रिस्पांस देंगी। फिलहाल मैंने जो पेपर स्पेसिफिकेशंस की फिगर्स हैं वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, बट पेट्रोल के केस में मैंने रियल एवरेज ली हुई है टिगोर से और वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे फाइनल जो कंक्लूजन निकलती है इस लेवल पे वो ये है कि बलेनो डेल्टा के पास बेशक बहुत ही बेहतरीन इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, साइलेंट इंजन है, लेकिन टिगोर के पास भी कुछ कम नहीं है। ये 3 सिलेंडर इंजन जरूर है, लेकिन आप इसे 4 सिलेंडर से किसी भी मामले में कम मत मानिए। और ये आपको पेट्रोल के केस में सेम पावर जनरेट करता है, डीजल के केस में आपको टॉर्क की कमी जरूर नज़र आती है। तो टाटा को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि एक अच्छा कम से कम 1.2 लीटर का डीजल इंजन जरूर तैयार करें। अगर हम फाइनली बात करते हैं रिस्पांस टाइम की और परफॉर्मेंस की, तो वो बलेनो में आपको बहुत ही बेटर मिलेगा, क्योंकि गाड़ी हल्की है और इंजन में पावर है, और तो ये आपको क्विक रिस्पांस देगी, पिकअप आपको बेटर देगी। लेकिन जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी और ड्राइवर के कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो वहाँ पर बलेनो को पछाड़ देती है टिगोर, क्योंकि टिगोर में है वजन और हाई स्पीड में भी ये काफ़ी स्मूथ रनिंग शो करती है और ड्राइवर को चलाने में कॉन्फिडेंस आता है। तो आइए अब इन दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स है वो दोनों ही गाड़ियों में हैं। तो यहाँ पे फ्रंट एयर बैग्स आपको मिल रहे हैं, ABS EBD आपको मिल रहा है, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर, फोर्स लिमिटर भी मिल रहा है, सीट बेल्ट रिमाइंडर बजर भी है, इंजन इमोबिलाइजर भी है, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है, डे एंड नाइट IRVMs हैं, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, डोर रिजर्व वार्निंग लैम्प। तो क्विकली इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रंट एयर बैग आप लोग जानते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर सामने से या बैक साइड से कोई शॉक मिलता है बम्पर्स को, तो ये दोनों एयर बैग खुल जाएंगे और आपका जो सिर है वो आगे डैशबोर्ड में या स्टेयरिंग में टकराने से बच जाएगा। ABS होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि आप क्विकली अगर ब्रेक प्रेस करें तो चारों व्हील्स या कोई भी व्हील्स आपके जाम नहीं होंगे, गाड़ी स्किड नहीं करेगी। ये कार के टायर्स को धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ाता है और गाड़ी को स्किड होने से बचाता है, और आप स्टेयरिंग मोड़ते हुए यानी कि गाड़ी को अपने डायरेक्शन में ले जाते हुए गाड़ी को रोक सकते हैं। EBD होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि गाड़ी की जिस तरफ जितना ज़्यादा वजन है उस तरफ के टायर पे उसके अकॉर्डिंग टू ब्रेकिंग अप्लाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी तरफ वजन कम है और गाड़ी का वो टायर पहले रुक जाए और गाड़ी का बैलेंस खराब कर दे। तो इसके बाद है कुछ फीचर जो बलेनो के पास एक्स्ट्रा है, वो है चाइल्ड सीट एंकरेज और पिंच गार्ड ड्राइवर विंडो, रियर वाइपर और वाशर। तो रियर वाइपर और वाशर के केस में यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँगा कि बलेनो है हैचबैक की कैटेगरी में, और हैचबैक में रियर वाइपर और वाशर होता है, और टिगोर है सिडान की कैटेगरी में, कॉम्पैक्ट सिडान है, तो कॉम्पैक्ट सिडान में या सिडान में रियर वाइपर और वाशर नहीं होता है। तो CSC हो गया कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो कि है टिगोर के पास, यानी कि गाड़ी को जब आप तेज स्पीड में टर्न करेंगे या टर्न करते समय आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो उस समय गाड़ी स्टेबल रहेगी, स्किड नहीं करेगी। फ्रंट फॉग लैंप है, चूंकि ये टॉप वेरिएंट है टिगोर का सेम प्राइस में, और बलेनो डेल्टा के पास फ्रंट फॉग लैंप्स नहीं है। तो सेफ्टी फीचर्स के वाइज अगर हम डिसाइड करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मेन फीचर्स है वो दोनों ही गाड़ियों के पास हैं। और बस आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम इंफोटेनमेंट के और म्यूजिक सिस्टम की। तो यहाँ पे रूफ एंटीना दोनों ही गाड़ियों में है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी हैं, ऑक्सिलरी इन, USB, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डोर स्पीकर्स, ये आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। लेकिन टिगोर के पास 2 ट्विटर्स भी हैं और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन का है। प्लस ये यहाँ पे स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, कॉलिंग कंट्रोल आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं, और इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्टिंग है फ़ोन का कॉलिंग का, वॉइस कमांड विद नेविगेशन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे नो डाउट कि ऑडियो एक्सपीरियंस और फीचर वाइज टिगोर XZ के पास ज़्यादा फीचर्स हैं, जो कि बलेनो डेल्टा में मिसिंग हैं। आइए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मौजूद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पे सेंट्रल डोर लॉकिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, पावर विंडो, ऑटो डाउन पावर विंडो ड्राइवर साइड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटर रियर व्यू मिरर्स, रिमोट फ्यूल लिड एंड बूट डोर ओपनर, एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मैनुअल ट्रांसमिशन में, और करंट गियर इंडिकेटर AMT के केस में, पावर एंड टिल्ट स्टेयरिंग, ड्यूअल ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, टैकोमीटर, LED फ्यूल एंड टेम्परेचर गेज, टर्न इंडिकेटर ऑन आउटर रियर व्यू मिरर्स, हाईली माउंटेड स्टॉप लैंप्स। ये सारे फीचर्स हैं जो दोनों ही गाड़ियों में कॉमनली अवेलेबल हैं, इनमें से ऐसा कोई फीचर नहीं है जो किसी एक के पास हो और दूसरे के पास ना हो। तो अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ है बलेनो के पास और कौन सी चीज़ है टिगोर के पास जो दूसरी गाड़ी के पास नहीं है। तो बलेनो डेल्टा के पास अवेलेबल है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटर रियर व्यू मिरर्स, काफ़ी यूजफुल फीचर है। तो यहाँ पर रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी अवेलेबल है आपको बलेनो डेल्टा के पास, जो कि टिगोर XZ में नहीं है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
है, काफ़ी अच्छा फीचर है बलेनो में। और 60-40 की रियर सीट स्प्लिट है, यानी कि अगर पीछे के लोग नहीं बैठे हुए हैं रियर सीट पे, तो आप रियर सीट को स्प्लिट करके अपने बूट एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें कि टिगोर के पास ऐसा क्या है, तो टिगोर के पास ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्टमेंट अवेलेबल है XZ वेरियंट में, और बूट लैम्प भी अवेलेबल है। चूँकि इसका बूट जो है वो बॉडी से थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है, तो वहाँ अंधेरा नहीं होगा, बॉडी लाइट वहाँ नहीं पहुँचेगी, इसलिए बूट में लैंप दिया गया है। फोल्डेबल रियर सीट आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है और कप होल्डर के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग है, यानी फ्रंट डैशबोर्ड पे एक बटन है जिसे प्रेस करते ही आप रिमोट बूट अपना ओपन कर सकते हैं। प्लस आपकी जो रिमोट की है वहाँ पे सेंटर वाला जो बटन है, जो फॉलो मी हेडलैम्प बना है, अगर आप उसे 3 सेकंड प्रेस रखेंगे तो भी बूट का ढक्कन जो है वो ओपन हो जाएगा। प्लस आपको टिगोर XZ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में जो कॉमन फीचर हैं वो लगभग सेम है जो नॉर्मली चाहिए हमें, बट कुछ प्रीमियम फीचर हैं जो बलेनो के पास हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल आउटर रियर व्यू मिरर्स। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर कुछ प्रीमियम फीचर हैं जो टिगोर के पास हैं, बलेनो या डेल्टा के पास नहीं है, जैसे कि रियर सीट आर्म रेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग प्लस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्लस अलॉय व्हील्स। आइए अब बात करते हैं उन फीचर्स की जहाँ पे ये सारा कुछ डिसाइड होगा कि अब कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, या कौन से फीचर है जिनके बेस पे आप मेन डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे बलेनो डेल्टा के पास इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटर रियर व्यू मिरर्स हैं, 4 सिलेंडर इंजन है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इसकी रियर सीट 60-40 के रेशियो में स्प्लिट होती है, आप बूट एरिया इंक्रीज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे मारुति सुजुकी का ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है, और जल्दी ही यहाँ पे टोयोटा का ब्रांड नेम भी जुड़ जाएगा, क्योंकि बलेनो ही वो पहली गाड़ी है जो अब टोयोटा के शोरूम में भी बिकेगी। तो इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि टोयोटा और मारुति सुजुकी आपस में कुछ गाड़ियाँ शेयर करेंगे जो कि एक दूसरे के शोरूम में बिकेंगी, और फिलहाल इस सेगमेंट में, इस लाइन में बलेनो पहली गाड़ी है जिसमें कुछ माइनर से चेंजेज होने के बाद ये टोयोटा के शोरूम में भी अवेलेबल होगी। दूसरी तरफ टिगोर XZ है जहाँ पर काफ़ी ऐसे फीचर हैं जो बलेनो के डेल्टा वेरियंट में हमें नहीं मिलते हैं। तो ये फीचर्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं जो कि डेल्टा वेरिएंट में नहीं है बलेनो में, प्रैक्टिकली मोर फ्यूल एफिशिएंसी है टिगोर के पास पेट्रोल में, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है, बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टेलीफोनी एंड वॉइस कमांड नेविगेशन सिस्टम भी है, मल्टी ड्राइव मोड है सिटी और इको का, और स्पोर्ट्स का मोड अवेलेबल है यहाँ पे AMT के केस में, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अवेलेबल है, रिमोट बूट डोर ओपनिंग अवेलेबल है, रियर सीट पे आर्म रेस्ट है कप होल्डर्स के साथ, फॉलो मी हेडलैम्प्स अवेलेबल है, आप रिमोट की से भी हेडलैम्प ऑन कर सकते हो, फॉग लैंप्स अवेलेबल हैं, और बूट एरिया काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, कार की ऊंचाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है बलेनो से। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन से फ़ीचर हैं जो रियलिटी में यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों ही कारों को, और कौन से फ़ीचर हैं जिनके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी कार सही है। अब आते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग पे। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, और ये एक शोरूम दिल्ली के प्राइस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पेट्रोल के केस में दोनों ही गाड़ियाँ 6 लाख के राउंड फिगर में आपको मिल जाएंगी, 5-10 हज़ार ऊपर नीचे। टिगोर के प्राइस में हो सकता है रिसेंटली अभी कुछ रेज हुआ हो, क्योंकि अगस्त मंथ में टाटा वालों ने 2% का रेज किया है। डीजल के केस में आपको कुछ सस्ती मिल जाती है, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये टिगोर, लेकिन वो भी डिफरेंस अभी घट गया होगा क्योंकि अगस्त में टिगोर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो आपको ये मान लीजिए कि आप डीजल और पेट्रोल के केस में दोनों ही गाड़ियों में प्राइसेस सेम हैं, तो डिसीजन प्राइस के बेस पे लेना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसी के लिए, आपकी यही हेल्प करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया था कि आपको सारे फीचर्स कंपेयर करवा दिए जाएँ, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कंपेयर करवा दिए जाएँ, क्योंकि दोनों ही वेरिएंट्स के, बलेनो के डेल्टा वेरिएंट में और टिगोर के XZ वेरिएंट में प्राइसिंग सेम आ रही है डीजल और पेट्रोल की। तो आप डिसाइड कर पाएँ आज का वीडियो देखने के बाद कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है, कौन से फीचर्स आपको चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और जो भी आपका फैसला रहा हो, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा वीडियो के अंत में कि भाई अगर जान है तो जहान है, तो फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। धन्यवाद।